Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. कहने का मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं कि मैं अब जो बात बताने वाला हूँ वो टाइगर किंग की सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. सभी लोग जानते हैं, एवरीवन हु रीड टू हिम, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट. वो ऐसे पर्सन है जिनके बारे में सुनने से ही ऐसा लगता है कि जैसे उनको फेस टू फेस मिले. क्यों? क्योंकि वो कैसे थे, तो इनडोमिटेबल करेज, यानी कि उनको हराना असंभव था. और ऐसे इंसान को मिलने की इच्छा स्वाभाविक है, तो इस तरह के वो इंसान थे. हियर देन बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. अभी तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है जिसे हम उनको मूव कर सके या फिर छोड़ सके. एज भारता से टू रामा अबाउट दशरथा. अभी देखो यहाँ पे रामायण की बात भी की है. ये वर्ड, ये सेंटेंस लिखने का मतलब ये है कि जब भगवान राम को मैसेज दिया था भरत ने, और वो किसका, तो दशरथ राजा डाई हो गए और वो मैसेज वो देने वाले थे, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे उस इंसिडेंट को याद कराया गया है. अभी आपको लग रहा होगा कि ये भरत और राम के बारे में क्यों बताना भाई, लेकिन आगे की जो स्टोरी है वो इस पे रिलेटेड है. द टाइगर किंग हैज़ रीच एट द फाइनल अबॉड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. जो टाइगर किंग थे वो अबॉड, अबॉड मैंने यहाँ पे राइट किया है, होम प्रेजेंट करता है. तो द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबॉड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर. वैसे देखने जाए तो वो वैसे कोई एनिमल से डरने वाले नहीं थे, वो सभी क्रिएचर के मतलब नज़दीक थे. इन मतलब उनके पास वैसे भी ला चुके थे, हो सकता है कि उन्होंने हंटिंग कर ली हो. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. लेकिन दूसरे वर्ड से देखने जाए तो टाइगर किंग तो वैसे मर गए हैं. अभी आपको ये यहाँ तक का जो भी है वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा. जैसे हमने फर्स्ट जो समझा उसमें उनकी जो क्वालिटी है, उनके पावर और वेल्थ के बारे में बताया है. सेकेंड में हमने ये समझा कि वो स्टुका बॉम्बर से उनको कंपैरिजन की कि एक बार उसको छोड़ दिया जाए तो वो ब्लास्ट और इतना अपना काम करके ही वापस आता है, ऐसे एम्प्टी नहीं आता. जबकि नेक्स्ट अभी हमने जो रेड किया उससे ये पता चलता है कि वो ऐसे इंसान है जो इनडोमिटेबल करेज वाले, यानी इनको कोई हरा ही नहीं सकता. ऐसे इंसान को जितना हो सके जल्दी मिलना चाहिए, या फिर मिलने से ही उन पता चलेगा कि उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कैसी थी. अभी यहाँ लास्ट जो लाइन है उसमें ये लिखा कि टाइगर किंग इज डेड, अभी वो है ही नहीं. तो ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि बिगिनिंग में आप देखोगे तो स्टोरी कुछ और बता रही है और उसका एंड कुछ अजीब सा और अलग सा ही है. बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा. देन द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. अभी डेथ, जो मौत के बारे में, जो मैनर्स के बारे में बताया, द मैनर्स ऑफ हिज डेथ इज मैटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. उनकी डेथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट क्रिएट करती है. इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. और ये रिवेल्ड का मतलब यहाँ पे बोलना है, कुछ कहना चाहता है. तो इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. और ये जो पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटरेस्ट बता रहे हैं उनके डेथ के बारे में, तो वो तो आपको एंड में ही मिलेगा. किसके? टेल, एंड ऑफ द टेल, यानी कि स्टोरी के एंड में. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर्स एंड हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. मतलब कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज का मतलब है मौत, यानी डेथ, यहाँ पे हमने राइट किया है डिमाइज. तो वो उनकी जो मौत है,
जो वो एस्पेक्ट करती है, जिससे एज सून एज ही वॉज बॉर्न, जैसे बॉर्न किया उन्होंने, तो एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोन, तो उनकी जब जन्म हुई, बॉर्न हुआ उनका, तब एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, यानी यहाँ पे देखो फोर टोल मैंने लिखा है, यानी प्रेडिक्शन करना, तो वो उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी उस टाइम, वन डे दैट द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन ये टाइगर किंग मरने ही वाले हैं एक्चुअल में। अभी आपको एक नई बात लगेगी कि भाई हर एक इंसान होता है वो मरता ही है, तो इसमें नई बात क्या बताएं, ये टाइगर किंग है तो वो एक्चुअल में मरने वाले हैं या फिर ये क्या है, लेकिन यही एक सस्पेंस है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोइज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी ये बच्चा जब ग्रो करेगा तो वो वॉरियर का वॉरियर होगा, हीरो का हीरो होगा, चैंपियन का चैंपियन होगा। बट दे बीट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ट, लेकिन ये बीट्स देयर लिप्स, ये बोलते बोलते उनके जो लिप्स होती है उसको दो दांत के बीच में उन्होंने दबा दिया। बिट्स देयर लिप्स, इसका मतलब ये होता है कि होंठ को दांत के बीच में दबा देना, एंड स्वेलो हार, और कुछ ऐसी बात थी जिसको वो निगल गए। तो मतलब ये क्या बताते हैं, ये लाइन ये बताना चाहती है कि कुछ अजीब सी बात थी जो इस चाइल्ड के बारे में प्रेडिक्शन करते टाइम जो एस्ट्रोलॉजर थे उनकी जो लिप्स थी वो बीच में अटक गई, यानी कि जो टीथ के बीच में आ जाती है, और कुछ बात है वो बताना नहीं चाहते फिर भी वो निकल जाते हैं, और इसकी वजह से वो निकल जाते हैं। वेन कंपेल्ड टू द कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद हिम, कंपेल, कंपेल यहाँ फोर्स करना है, तो वैन कंपेल टू कंटिन्यू, लेकिन बाय फोर्स द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, लेकिन उनको तो एस्ट्रोलॉजर है तो ऑब्वियस उनको ये सारी बातें तो बतानी ही पड़ेगी, तो फिर उन्होंने वो बात बताई। दिस इज द सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, और यही सीक्रेट है जो उनको बताना चाहिए, चाहिए रिवेल करना चाहिए, नहीं वो नहीं करना चाहते थे फिर भी उनको बताना पड़ा, येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी उन्होंने फोर्स किया कि नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपका काम है कि जो आप सही देखे उसको बताओ। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और ये जो बच्चा, मतलब प्रेडिक्शन क्या था, तो ये बच्चा बॉर्न अंडर दिस स्टार, ऐसे स्टार के बीच में, यानी हम नहीं बोलते नक्षत्र के, ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन तो इसको मरना ही होगा, मौत उसको मिलेगी ही। अभी लो आपको फिर से लगा होगा कि ये दोबारा क्या है, फिर से ये बात क्यों, ये तो ऑब्वियस है ना, उसका बॉर्न हुआ है तो उसका डेथ भी होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, ये जो मोमेंट थी वो एक चमत्कार, मतलब मिरेकल दिखा रही थी। एन एस्ट्रोनिसिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लीफ ऑफ द 10 डे ओल्ड जलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइज प्रोफेट्स। अभी ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोनाइजिंग होते टाइम सब हैरान हो जाते, इमर्ज हो जाते, परेशान हो जाते, द लिव्स ऑफ द 10 डेज, फिर ये वो देख रहे कि 10 डेज लिव्स, जैसे हम कुछ बोलते हैं अधूरा अधूरा सा होता है, बिल्कुल वैसे ये ओल्ड जलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ वाइज प्रॉफिट का मतलब होता है हे बुद्धिमान, भविष्यकर्ता कहने का मतलब, कि वाइस उसको कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान बोल दिया। अभी ये कौन बोला देखते हैं। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन, स्टुपेक्शन का मतलब होगा नम होना, यानी कि जब हम शॉक हो जाते हैं किसी बात को सुनने से तो हमारा चेहरा, हम नम हो जाते हैं, और दूसरी बात है ट्रांसफिक्स्ड यानी मोशनलेस, हम जो भी काम करते हैं उसमें स्तब स्टॉप हो जाते हैं, कुछ आगे नहीं कर पाते, मोशनलेस हो जाते, कुछ सोच ही नहीं पाते,
तो वहां पे जितने लोग थे वो वहीं पे मोशनलेस हो गए, नम हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और वो एक दूसरे के सामने वाइल्डली देखने लगे, जैसे हम कुछ भी देखते हैं और कैसे देखने लगते हैं एक दूसरे को, तो बिल्कुल वैसे वो एक दूसरे के सामने वाइल्डली देखने लगे एंड ब्लिंक्ड। और वो ब्लिंक का मतलब यहाँ पे हैरान हो जाना, तो वो शॉक हो गए और वो सब हैरान हो गए।